Hi all, how are you? I hope you're able to see me. तो या नाउ आई वाज जस्ट चेकिंग कि हम लोग फाइनली लाइव हैं या नहीं. तो थम्स अप टू ऑल ऑफ यू. हाय 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 ऑल. हाय भूमिका. हाय अलका. हाय देवांशी. या आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू स्टार्ट द स्ट्रीमिंग. कुछ बफर कर रहा था सो मे बी नेट वाज अ लिटिल स्लो. हाय अलका. हाय सृष्टि. आई एम गुड बच्चा. हाउ आर यू ऑल? Just a second. We'll just begin in 2 seconds. Okay. Okay. Yes. So finally, all set. तो कैसे हैं आप सब लोग? भाई कल की क्लास किसने किसने अटेंड की थी? कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप ड्रॉप करिए. जल्दी से. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. कल स्पेशल क्लास किन किन ने अटेंड करी थी? बिगर क्वेश्चन. हाय सृष्टि. हेलो हेलो. हाय अलका. बट आई डोंट थिंक सो दिस इज अलकाज आईडी. आई थिंक ये कोई और यूजर आईडी से आप. हाय भूमिका. हाय. आई बिलीव यू आर जॉइनिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम. तो हेलो एंड अगेन अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. I hope you have a great evening ahead. Like we have just started. Okay. तो जो जो क्लास में ज्वाइन करते जा रहे हैं प्लीज एक हाय अर्पिता. हाय अरुणा. मैम नहीं मैं तो हर्ष ही हूँ. अच्छा ओके. हाय हर्ष. हाय अर्पिता. हाउ मेनी क्वेश्चंस? माय फर्स्ट क्लास टुडे. ओके अलका. ना अमेजिंग. हाय हाय. हाय सृष्टि. यस मैम यू आर ऑडिबल. वी कैन सी यू. ऑल क्लियर. ओके ओके. मैम हर्षी हूँ दूसरे फोन से. ऑल राइट ऑल राइट. हाय निखिल. हाउ आर यू? सो ऑफ कोर्स अलका हैज हर फर्स्ट क्लास टुडे. ऑल ऑफ यू वेलकम हर एंड लेट हर जॉइन द गैंग. हाय निखिल. हाय भूमिका. आई एम अ न्यू हेटर. ओके ओके दैट वाज अ मैम मेंटी. आज आज पहले कल सेशन लेट हो गया था. मेंटी. अच्छा आज आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है मेंटी की. आज तो पूरा सेशन ही क्विज है. तो आज हम लोग पूरी क्लास में क्विज करने वाले हैं. इट इज अबाउट जस्ट बेसिक साइंस स्पेशली फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं. ओके. हाय मिसचिलेनियस. आर मिसचिलेनियस. बच्चा आपका नाम क्या है? यूजर आईडी का जो नाम होता है तो इट्स लाइक अक्सर डिफरेंट होता है फ्रॉम योर योर नेम. सो मेक श्योर यू ड्रॉप योर नेम ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके. हाय राहुल. सो आज बहुत नए बच्चों ने ज्वाइन किया है. माय डीएम ओके अतिशय. ओ नाइस नाइस नाइस. ओके अतिशय. सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ योर नेम अतिशय? चलिए हम लोग थोड़ी देर में आज अपना एक लंबा सा साइंस क्विज स्टार्ट करते हैं. मेंटीमीटर पे ही होगा. ओके. बट देन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे आज की क्लास में. और कोई पर्टिकुलर टॉपिक स्पेसिफिक आज का क्विज नहीं होगा. उसमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से मोस्टली अबाउट मैकेनिक्स के पार्ट से वील हैव फ्यू क्वेश्चंस. ओके. तो लेट्स वेट फॉर अनदर टू. भूमिका स्टार्ट द मेंटी. भूमिका बच्चा मेंटी आज नहीं है. नॉट द रेगुलर मेंटी लाइक 5-10 क्वेश्चंस वाला मेंटी नहीं है. सो आज की क्लास ही इज अ लॉन्ग क्विज. लॉन्ग साइंस क्विज. ओके. तो वी विल बी. हाय अन्या. हाय हाय हाय. फिजिक्स. यस भूमिका. वी हैव मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर फिजिक्स ओनली. ओके. तो साथ के साथ आज व्हाट वी विल डू इज वील डू द क्विज ऑल्सो. और उसके साथ उसके जो कुछ कॉन्सेप्ट होंगे
तो हम लोग पैरेलली उसको दूसरी प्रेजेंटेशन में साथ के साथ डिस्कस भी करेंगे, ओके? तो अगर कुछ कुछ डाउट होते हैं तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग देम। मेंटी में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है एंड बट देन मेंटी इज जो रेगुलर मेंटी होता है बहुत जल्दी वाला होता है। मेंटी का कोड, या जस्ट अ सेकेंड, ओए टोटली फॉरगॉट भाई, मेंटी का कोड क्या है आपके? तो आपका कोड है 581427। या एक्चुअली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम पुटिंग ऑन माई स्पेक्स। हाँ, दैट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन। देखिए, सो मेंटी का कोड है 581427। जस्ट अ सेकेंड, आई टाइप इट ऑन द चैट ऑल्सो। सो दोज हु ऑलरेडी आर हियर इन द चैट, दे मे ज्वाइन इट सून, ओके? जैसे जैसे आप ज्वाइन करते जाएं, प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने मेंटी ज्वाइन कर लिया है या नहीं। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे, ओके? तो सिक्स ऑफ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड। आई एम ज्वाइंड। हाय सृष्टि, हेलो। मैं कितने दिनों से आप सब लोगों से बार बार पूछ रही हूँ, आप लोगों ने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया? भाई कोई बता ही नहीं रहा है। अब तो मैं मेंटी तभी स्टार्ट करूंगी जब आप लोग पहले ये बताओगे कि आपने न्यू ईयर पार्टी में क्या किया। तो जल्दी जल्दी बताइए भाई, तभी मेंटी स्टार्ट होगा। अदरवाइज आप तो वेट करो आज, फिर बिना आंसर लिए। आपको तो मैं सारे डाउट्स क्लियर करती हूँ, बट आप मेरे भी डाउट्स साथ के साथ क्लियर करो भाई आज। जब तक आप नहीं बताओगे आपने न्यू ईयर पे क्या किया, मेंटी स्टार्ट नहीं होगा। मैं एंटर बटन नहीं प्रेस करूंगी। आई हैव गॉट बियर इमोजी, ओके? या सो बियर इमोजी इज देवांशी, केक कटिंग एट 12, सो न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, ओके? तो कि न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, अच्छा, सो कि न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, ओके? ओके, मुझे समझ में नहीं आया एक बार में। आन्या डिड नथिंग, दिवांशी गॉट अ, ओके। विजया जैन, हाय विजया, हाउ आर यू? बच्चों, आप लोग यहाँ पे बहुत सारे जितने भी बच्चे हैं, आप YouTube लाइव पे जब रोज क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है कि नाउ आई हैव बिकम रेगुलर ऑन योर स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस रोज होंगी बच्चों, तो नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, नाउ दैट यू हैव ऑलरेडी सीन फ्यू ऑफ द वीडियोस, आप सारे एजुकेटर्स को यहाँ यूट्यूब पे भी फॉलो कर रहे हो, राइट? तो मेक श्योर नाउ यू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑल्सो बच्चों, सो दैट यू कैन मूव फ्रॉम YT टू द स्पेशल क्लासेस, ओके? तो नाउ द ईयर हैज जस्ट स्टार्टेड एंड दिस इज अगेन अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ओके, फॉर यू टू स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन फॉर योर क्लास। तो आप में अच्छा, आपका नया सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? तो आई होप ये आपका क्लास 7 ओवर होने जा रहा है, राइट? मेक श्योर ये डिटेल्स भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं, बिकॉज आई एम नॉट टू श्योर कि आपकी क्लासेस, नई क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो यस अलका जैन, पर्पल कैटरपिलर इज माई, ओके ओके। सो आपकी नई सेशन अप्रैल से स्टार्ट होगी, तो सब आप लोग क्लास 7 से 8th में चले जाओगे। ओ माय गॉड, अच्छा क्विक ट्रांजिशन, ये साल तो कैसे निकला पता ही नहीं चला, ओके? आई एम जॉइन, अलका मेंटी कोड। अब सब लोगों ने अगर मेंटी ज्वाइन कर लिया है तो क्या मैं बिगिन करूँ? थम्स अप दीजिए कमेंट सेक्शन में, सो दैट आई स्टार्ट विद द मेंटी एंड आर फन साइंस क्विज, ओके? एरोप्लेन, निकोलस एरोप्लेन, या लेट मी चेक, यस वी हैव अ ग्लाइडर हियर, ओके ओके। भूमिका भूमिका, ओके, सब लोग आ चुके हैं, सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं मेंटी। 1 2 3 एंड नियरली ऑल क्लॉक्स मेक यूज ऑफ लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। जल्दी जल्दी पुट ऑन योर थिंकिंग हैट्स एंड गिव द आंसर। क्या हो सकता है बच्चों, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन या रैंडम मोशन? हाय भूमिका, ओके, शी सेइंग आई एम द कैट, ओके, आई कैन, बहुत क्यूट है इधर मेंटी पे। जल्दी से सोच के बताइए, लीनियर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन या रैंडम मोशन? वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, सो आपको अपना आंसर पता चल जाएगा, ओके? एंड थोड़ा सा ये देखिए कि क्लॉक की जो हैंड्स का मूवमेंट होता है वो किस तरह से होता है, सो देन यू कैन टेल।
सो नियरली ऑल क्लॉक्स मेक यूज ऑफ सर्कुलर मोशन. यस बच्चों, क्या होता है, क्लॉक में सर्कुलर मोशन होता है. ओके okay? चलिए देखते हैं लीडर बोर्ड की क्या स्थिति है. बी एग्जैक्टली भूमिका, जस्ट अ सेकेंड. चलिए हम अपना लीडर बोर्ड, क्यों नहीं आ रहा है भाई. निखिल एक्सप्लेन इजी. ओके चलिए नेक्स्ट, हम लोग जल्दी से लीडर बोर्ड देखते हैं. आज तो बहुत कॉम्पिटिटिव टाइप का क्विज है, बहुत सारे बच्चे भी आज ज्वाइन कर चुके हैं. निखिल, लक्षिव, देवांशी, हर्ष, अतिशय, विनीता, रोहन, एशली, भूमिका, सत्यम, कांत. ओके सब लोगों के स्कोर मोर और लेस पास में ही है. ओके हाय पलक, हाउ आर यू. हेलो 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 पलक. ओके चलिए मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ साथ के साथ बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने अभी आपको प्रॉमिस किया था कि कुछ इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से इस बारी क्लास में करेंगे. ओके तो दिस इज जस्ट नॉट सिंपल फन मेंटी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है. चलिए देखिए समझते हैं बच्चों. ओके तो इसको मैं यहां से एक सेकेंड हटा देती हूँ. हेलो पलक, हाउ आर यू बच्चा. देखिए मोशन का आपको पता है ना बच्चों, मोशन क्या होता है, राइट? चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्या बोलते हैं, मोशन. ओके अगर चेंज नहीं आ रहा है टाइम के साथ पोजीशन में किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी की, देन इट विल बी सेट टू बी एट रेस्ट व्हेन देयर इज नो चेंज. ओके अब देखिए क्वेश्चन में, मैम लक्षिव इज माय स्मॉल ब्रदर हु इज इन केजी एंड इज गेसिंग राइट द क्वेश्चन. ओ माय गॉड सो स्वीट. हाय लक्षिव, वेरी वेल, वॉर्म वेलकम टू लक्षिव. ही इज अ स्मॉल चाइल्ड एंड ही इज गेसिंग राइट क्वेश्चंस. ओह माय गॉड दैट्स सो क्यूट यार. तो देखिए भाई यहाँ तो क्लास केजी के भी बच्चे हैं. हाय पलक, थैंक यू सो मच. प्लीज मेक श्योर यू स्टे ट्यून. ठीक है चलिए देखिए लीनियर मोशन क्या होता है बच्चों. लाइक देखिए एक ही ऑब्जेक्ट है, नॉट ऑब्जेक्ट बट देखिए ये अगर एक कोई ह्यूमन बीइंग है, अगर ये एक लीनियर पाथ को फॉलो करता है एंड इट रीचेस फ्रॉम लेट्स से पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एक सिंगल लाइन लीनियर पाथ को फॉलो करता है तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन. ओके अब यही बॉडी अगर एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है, ओके मेरी ड्राइंग तो बड़ी ही डिसगस्टिंग है बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ये देखिए एक ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन. ओके ये जरूर साइंटिस्ट बनेगा. ओके एक्चुअली इज दिस डायलॉग फ्रॉम मूवी थ्री इडियट्स. किन किन ने थ्री इडियट्स मूवी देखी है? दैट वाज अ रियली अमेजिंग मूवी. यस ओके यस. फर्स्ट जो है, जैसे कि फर्स्ट आप इमेज आप देख रहे हो सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन, और सेकंड इमेज में आप जब देखते हैं तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन. ओके लीनियर एंड सर्कुलर. सो आई होप ये लीनियर और सर्कुलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. ये जरूर साइन. अच्छा ओके देखिए अब क्लॉक का जो एक पैटर्न होता है, क्लॉक कैसे काम करती है देखिए. अब आप मुझे स्मार्ट वॉच के एग्जाम्पल मत दीजिएगा, मैं आपको नॉर्मल एनालॉग क्लॉक की बात कर रही हूँ. ओके चलिए कोई कूल सा पेन का कलर अभी लेते हैं अपन. आ, आ, आ.
कलर तो ये क्या हमने ब्लू ले लिया है। देखिए एक ये वॉल क्लॉक जैसे आपको होती है ना बच्चों, सो वी हैव योर 12, वी हैव 6, वी हैव 9, वी हैव 3, ओके। मिनट हैंड होता है, सेकेंड हैंड होता है, राइट। सो दीज आर द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक, वन इज लॉन्गर द अदर इज स्मॉलर। अब यहाँ पे बाकी कैलिब्रेशन होते हैं, ओके। मैम बहुत पहले देखी थी अब भूल गई, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो क्लॉक में हैंड का, इनकी क्लॉक के जो, इनको क्या बोलते हैं, हैंड्स बोलते हैं, राइट। अब जब ये मूव करते हैं, ये देखिएगा ध्यान से, और किस तरह का पाथ फॉलो करते हैं, धीरे धीरे सोचिए कि क्लॉक में कैसे मूवमेंट होता है इस डायरेक्शन में, राइट। इट कुड बी दिस वन और इट कुड बी फर्स्ट केस क्या हुआ, ग्रीन क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। और रेड क्या हुआ, क्लॉकवाइज, ओके। सो नाउ यू कैन सी, अब मैं ब्लैक कलर यूज करती हूँ, ओके। दिस इज अ लॉट ऑफ फन यूजिंग डिफरेंट कलर्स, अदरवाइज पूरी क्लास में एक कलर का पेन ही यूज करती हूँ मैं, बट यस। अब देखिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्क्यूलर मोशन, ओके, क्लियर नाउ। आई होप आपको ये डिफरेंस पता चल चुका है, मोशन क्या होता है, लीनियर और सर्कुलर मोशन के बीच का डिफरेंस, ओके। जल्दी जल्दी थम्स अप दीजिए कमेंट सेक्शन में, तब हम मेंटी पे वापस जाते हैं और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्क्यूलर मोशन, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। निखिल एस सो मेनी थम्स अप, सबके हिस्से का निखिल ही थम्स अप कर रहे हैं, नाइस नाइस, दैट्स कूल, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई क्या आता है दूसरा क्वेश्चन, 1 2 3 एंड आई प्रेस एंटर, देखिए व्हाट्स द क्वेश्चन। जस्ट ऑप्स बैक जाते हैं, लीडर बोर्ड क्यों आ रहा है भाई, अक्सर कल भी ऐसी हो रहा था, लीडर बोर्ड आ जा रहा था बार बार, डोंट नो ये क्या हो गया, क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, लेट मी चेक, ओके ओके, रैंडम मोशन सर्कुलर मोशन, चलिए रुकिए हम इससे नेक्स्ट करके देख, आई होप यप। क्वेश्चन टू, ओके ओके, लीडर बोर्ड अगेन, वेट, अच्छा क्वेश्चन टू, ओके नाउ इट्स योर, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। द करेक्ट सिंबल टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, सिंबल क्या होता है स्पीड का, पहला ऑप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा, मीटर पर सेकेंड, दूसरा एमपी, दिस इज 5 आवर्स, ओके। मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड द करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलिए जल्दी से अब जानते हैं स्पीड क्या होती है, मोशन आपने समझा, स्पीड के बारे में बात करते हैं, राइट। लीडर बोर्ड की पोजीशन देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ऐसे कैसे भाई, पहले लीडर बोर्ड की पोजीशन हम देखते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं, ओके। लीडर बोर्ड पे देखते हैं किसने जल्दी से आंसर किया, अमेजिंग, चलिए ग्रेट, थम्स अप टू ऑल ऑफ यू, और जिन लोगों के आंसर सही हैं कमेंट सेक्शन में भी एक थम्स अप ड्रॉप करें, ओके।
जस्ट अ सेकेंड। ओके हाय प्रतिज्ञा, आई एम गुड। हेलो प्रतिज्ञा। ओके तो समझ में आया आपको? चलते हैं जल्दी से एक्सप्लेनेशन को देते हुए। ये देखिए, आपने ये समझ लिया राइट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है और एक क्लॉक में सर्कुलर मोशन कैसे होता है, राइट? तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, लीनियर मोशन नहीं है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये आर्म स्ट्रेट है, लेकिन इसका मोशन एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। तो हमें हेलो मनन सर, हाउ आर यू मैम, अगर आपको कुछ नहीं बोलती तो ऐसे लगता है कि लैग हो रहा है। ओके ओके ओके, सो आई विल मेक श्योर आई विल कीप ऑन टॉकिंग। हाय सृष्टि, ओके ओके, हेलो 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 ऑल ऑफ यू, राइट? सो स्पीड के लिए मैंने आपसे पूछा था स्पीड की यूनिट क्या होती है, तो पहले ये जानते हैं स्पीड क्या होती है, राइट? Why is my pen not working, भाई? चलिए, speed is distance upon time. अब ये बताइए distance की unit क्या होती है? मीटर। time की क्या होती है? सेकेंड। सो आप इसको कैसे लिखते हो, राइट? तो अब आपको भूलना नहीं है, ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है स्पीड की, दैट इज कॉल्ड SI। इज इट क्लियर? और टू डिफाइन, जैसे अभी आपको पता चला मोशन क्या होता है, चेंज इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज मोशन। अब मोशन को मेजर हम लोग कैसे करते हैं? स्पीड के फॉर्म में। इट इज अ मेजर ऑफ मोशन। अगेन भाई ये पेन क्यों रुक जा रही है आज? रुकिए मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। यस, चलने लग गई। स्पीड इज मेजर ऑफ मोशन, राइट? मोशन में क्या होता है? टाइम के साथ डिस्टेंस में चेंज आता है, राइट? तो बस अब इतना ध्यान रखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड स्पीड इज मेजर ऑफ मोशन। ओके, अब बाकी चीजें अब जिसमें ये पे है, इसकी डिटेल में पढ़ने के लिए वी आर गोइंग टू हैव अ स्पेशल क्लास ऑन मोशन एंड टाइम। ओके, सो मेक श्योर यू ज्वाइन द स्पेशल क्लास एंड वी विल डिस्कस मोर ऑन मोशन एंड टाइम, राइट? मैम आज यो ऐप समझ ज्यादा रहे हो, ग्रेट। ओके तो बच्चों, यस अगेन मैंने भी यही सोचा कि कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स विच आर यू नो लाइक हियर एंड देयर, वो हम लोग कभी कभी मिस आउट कर जाते हैं, तो क्यों ना आज उनको मेंटी के फॉर्म में मेंटी भी करते हैं और साथ के साथ वो कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं। ओके, निखिल कुमार, मीटर किलोमीटर सो स्पीड, सेकेंड हाफ और टाइम, एडिशन ऑफ बोथ स्पीड। यस यस मैम, डू फास्ट। ओके, ऑरेंज कलर, हाय हाय। ओके बच्चा, आई विल डू फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी भी करूंगी ना तो फ्यू ऑफ यू माइट स्किप आउट ऑन द कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा, स्पीड क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ मोशन, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होती है। ऐसे स्पीड की कई सारी यूनिट्स होती हैं बच्चा, जब हम लोग चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे तो। मेंटी कोड, बच्चा मेंटी कोड तो आप रुकिए रुकिए, मेंटी कोड आप देखिए चैट में, अगर आप ऊपर जाइए सो यू कैन रीड मेंटी का कोड क्या है। देवांशी, वेट आई टेल यू, मेंटी कोड है 5814279। अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप इट ऑन द चैट, आप चेक करिए, फिर वी विल हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जस्ट रुकिए, अरे कहाँ चला गया मिंटी का कोड, रुकिए मैं आपको भेज रही हूँ चैट पे। देखिए यस, दे हैव ऑलरेडी मेंशन द मेंटी कोड देयर। या ओके, यू मस्ट हैव गॉट डिस्कनेक्टेड। ये समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट मोशन का, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, सर्कुलर और लीनियर क्या होता है एंड स्पीड क्या होती है।
तो देखिए, साथ के साथ हम लोग चैप्टर को भी कुछ ना कुछ कवर करते हुए चल रहे हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. उप्स, वेयर इज दिस? 1 2 3 बिगिन. देखिए अब ये क्वेश्चन. टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट सनराइज इज कॉल्ड, वॉज कॉल्ड, एक्चुअली इट शुड बी इज इवनिंग, नाइट या डे. एक सनराइज से नेक्स्ट सनराइज तक के जो टाइम होता है, उतनी टाइम ड्यूरेशन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? इवनिंग, नाइट, डे. बाबा रे, इतनी मिस्टेक्स. इवनिंग नहीं होता है बच्चों, सनसेट टू सनसेट अगर आप बोल सकते हो तो इवनिंग इट इज अ पार्ट ऑफ द डे, इट इज नॉट लाइक यू नो, इट डजेंट मेजर. नाइट भी नहीं होगा. सो हम लोग टाइम को कैसे मेजर करते हैं? डे के फॉर्म में. मिस क्लिक. तो आई होप ये आपको क्लियर होता है कि पहले क्या होता था बच्चों. एंशियंट टाइम में क्या होता था कि हमारे पास क्लॉक नहीं होती थी, हमारे पास कोई स्मार्ट वॉचेस नहीं होती थी, तो टाइम कैसे पता चलता था? जो डे में लाइट होती थी, राइट? सो एक तरह का डिवाइस होता था, एंशियंट डिवाइस, राइट? तो उसपे क्या होता था कि शेडो पड़ती थी सन की, तो उस हिसाब से शेडो की पोजिशन चेंज होती रहती थी फ्रॉम डे टू द इवनिंग एंड इन दी आफ्टरनून. सो डे के जितने जितने पार्ट्स होते थे उसमें शेडो की पोजिशन चेंज होती थी, राइट? सो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे एंसेस्टर्स टाइम को यू नो अज्यूम करते थे, प्रिडिक्ट करते थे. हालांकि आप कंक्लूसिवली उस टाइम टाइम बता नहीं सकते थे, बट आप एक एस्टिमेट करते थे. ओके, सो एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक के टाइम को अपन क्या बोलते हैं? डे, राइट? सो डे में कितने आवर्स होते हैं? जल्दी जल्दी बताइए भाई. दीज आर द यूनिट ऑफ टाइम. यूनिट्स ऑफ टाइम क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? बताइए बताइए भाई, सब चुप क्यों हो गए? इतना सन्नाटा क्यों है? ओके, 24 आवर्स. परफेक्ट. ओहो, अगेन माय पेन इज नॉट वर्किंग. व्हाट टू डू? जस्ट अ सेकेंड, मैं कलर चेंज करूँ. होपफुली इफ माई पेन स्टार्ट टू वर्क अगेन. अरे दिस इज येस. चलिए, सबसे पहले क्या आता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है? सेकेंड. देखिए इसको इग्नोर करिए, इधर ध्यान देते हैं. सेकेंड. फिर क्या आता है? मिनट्स. फिर क्या होता है? आवर. आवर के बाद क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए. ओके, फिर वीक, फिर मंथ, फिर ईयर. अभी फिलहाल के लिए इतना करते हैं, बट देयर आर मोर देन दिस. टाइम के और भी ज्यादा मेजर्स हैं. मैम व्हाट बहुत मिली सेकेंड्स? एग्जैक्टली बच्चा, ये मिली सेकेंड होता है ना, जब हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल की बात करते हैं ना, व्हेन वी से द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट. ओके, तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट यू नो यूनिट ऑफ टाइम. ओके, एग्जैक्टली. मिनट, सेकेंड, आवर, वीक, मंथ, ईयर, ये तो आपको पता है ना. 1 सेकेंड में हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 मिनट? जल्दी से बताइए. 1 मिनट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड्स? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए. इट इज 60 सेकेंड्स. 1 आवर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स? 3 मिनट्स. और 1 आवर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड्स? तो आप क्या करोगे? 60 into 60. ओके, इज इट क्लियर? और ये इंटर कन्वर्टेबल भी होते हैं कि आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, इज इट क्लियर? आर यू लाइकिंग द क्लास भाई? गिव अ थम्स अप अगर आपको आज की क्लास थोड़ी सी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग सी लग रही है तो. एक्चुअली दिस वॉज माई प्लान. और हाय सचित, हाय सचित आनंद, हाय, हेलो हेलो हेलो. ओके, हाय, सॉरी, हेलो. तो यस, राहुल अगेन. सो वी हैव यू नो
new students here, like who have come for the first time. So again, I extend my very warm welcome to all of you and a very, very happy new year. Okay. आज बहुत सारे ऐसे हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, स्पेशली फिजिक्स के. ऑलराइट, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. चलिए चलिए, फिर लीडर बोर्ड आ गया. लीडर बोर्ड की पोजीशन तो हमने देखी नहीं थी. ओके, बच्चों ऑल्सो आई रिक्वेस्ट फॉर अ स्मॉल थिंग, आप लोग प्लीज फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करिए, राइट, कि आपको चैप्टर्स कौन कौन से नए पढ़ने हैं. और अच्छा, यस, सो वन ऑफ यू रिक्वेस्टेड, सो आज की स्पेशल क्लास में आई डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन, राइट, सो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्कस कल किया था, रिमेनिंग पार्ट आज डिस्कस करेंगे, राइट. और कल हम लाइट का चैप्टर स्पेशल क्लास में पढ़ेंगे, ओके. और कल भी हमारा एक मेगा मेंटी का दिन है, तो मैं ये ऐसे सोच रही थी कि वीक में दो बार मेगा मेंटी जरूर कराना है, एक साइंस क्विज, एक मेगा मेंटी. साइंस क्विज में वी कैन यू नो टेक टर्न्स टू हैव क्विजेज ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो सबका अलग अलग ही होगा, कहीं मिक्सअप नहीं करेंगे. तो फिजिक्स के जो चैप्टर्स अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं, तो कुछ क्विज उस पे, कुछ नए क्वेश्चन, कुछ रैंडम क्वेश्चन, राइट. फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी साइंस क्विज होगा. ऑलराइट, चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं आप. एज ऑफ अ पर्सन इज एक्सप्रेस्ड इन, एक पर्सन की एज को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मंथ में, डेज में या इयर्स में. हाय सचिदानंद, गुड इवनिंग बच्चा, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर जॉइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. इजी पीजी, यस. कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हैं, कुछ इजी पीजी भी हैं, तो बताइए भाई, एज ऑफ पर्सन इज एक्सप्रेस्ड इन मंथ, डेज या इयर्स. ओके, जल्दी जल्दी बताइए, टाइमर तो जा रहा है. ओके ओके, लेमन स्क्वीजी, हाँ दैट्स गुड, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. यप, देखते हैं क्या होता है. टाइम्स अप, मंथ एंड इयर्स. ओके, यस बच्चों, मेजरली व्हाट वी डू इज वी एक्सप्रेस द एज इन इयर्स. लेकिन अक्सर आप लोगों ने कहीं फॉर्म में या कहीं पे आपने देखा होगा सर्टेन इयर्स एंड सर्टेन मंथ्स, राइट. तो मेजरली इट इज एक्सप्रेस्ड इन इयर्स. मंथ में आप मोस्टली बेबीज की ईयर को बोलते हो कि दैट अ बेबी इज 4 month old और 6 month old व्हेन दे एक्चुअली क्रॉस यू नो 12 months. जब एक साल वो कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद यूजली दे यू नो टॉक इन इयर्स. हाय नवप्रीत, हाउ आर यू? हाय निखिल, यस यस यस. चलिए छोटा सा एक बार एक्सप्लेनेशन इधर समझते हैं, लीडर बोर्ड उसके बाद देखेंगे. सेकेंड, देखिए समझते हैं. अब जैसे कि किसी की एज, भाई आप में से कोई अपनी एज बता दो. निखिल, ओके हाय. ओहो, ये मेरी पेन को क्या हो जाता है बाबा, जस्ट अ सेकेंड. भाई ऐसे तो बहुत टाइम खराब हो जाता है अपना, क्या कहते हो बच्चा लोग, ये क्या हो गया एग्जैक्टली. चलिए चलने लगे. निखिल इज सेइंग ही इज 13 years old. चलिए निखिल, इफ यू डोंट माइंड, बच्चा आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज जल्दी से, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन कि ईयर्स और मंथ वाला कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं. निखिल बच्चा आप अपना 4 months 13 years, एग्जैक्टली. देखिए 13 years एंड 4 months, सो दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन, राइट. आफ्टर यू कंप्लीट ईयर्स, उस आपकी रिमेनिंग एज को आप मंथ्स में एक्सप्रेस करते हो. बिकॉज अक्सर ये होता है, वी आर अपनी बर्थडे वाले दिन, राइट. सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल बच्चा आपकी 30 अक्टूबर, यस मैम आई एम योर रेगुलर स्टूडेंट, यस यस यस, 3 months, राइट. सो इट कुड बी 3 months, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, एंड जब 12th month हो जाता है तो ईयर आपकी एक साल बढ़ जाती है, राइट. सो देन द पर्सन विल बिकम 14 years old. ओके, सो इज इट क्लियर? ये तब होता है जब आप
you know, you have just completed your birthday. Let's say, for example, he has completed it on October, right? फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो जनवरी तक में ये कितने साल के हुए? 13 ईयर, 1, 2 एंड 3 मंथ्स. ओके, सो अभी क्लियर हुआ आपको कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं? अच्छा देखिए, मेजर पार्ट हम लोग ईयर्स में एक्सप्रेस करते हैं. नो मैम, सो ऑल ऑप्शन वर्क करेक्ट. बच्चा आपको देखिए एग्जैक्टली एमसीक्यूज का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, एज ऑफ अ पर्सन इज एक्सप्रेस्ड इन, तो आपको बेस्ट चूज करना होता है. सो टेल मी हाउ मेनी डेज आर यू. ओके राइट, सो देखिए एमसीक्यूज में यही आपको ध्यान रखना है, आपको सबसे करेक्ट ऑप्शन चुनना पड़ता है. अक्सर ये आपको देखने को मिलेगा कि कुछ जो ऑप्शन है थोड़े से क्लोज हैं एक दूसरे से, थोड़े से सिमिलर हो सकते हैं, बट एज आप डेज में तो कैसे बोलोगे, राइट? कि 365 इनटू 10 इयर्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज 10 इयर्स ओल्ड, तो आप कैसे बोलोगे 3650 डेज ओल्ड? नो, राइट? मंथ्स में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो ऑफ कोर्स नाउ यू से आप इयर्स में बोलते हो, और रिमेनिंग जो पोर्शन बचता है उसको आप मंथ में बोलते हो, बट मोस्टली वी एक्सप्रेस द एज इन इयर्स. ये मंथ का कॉन्टेक्स्ट तो आप मोस्टली इट इज फॉर बेबीज ओनली. ओके, is it clear now? Please give me a thumbs up if you have understood this far. Exactly, me 4817 days. ऐसे तो हो चुका भाई, इतने बड़े बड़े figures, right? So हमारी ease of convenience के हिसाब से हम लोग use करते हैं अलग अलग units को. Okay, easily किस तरह से express आप कर पा रहे हो ना, ease of यूज, ये आपको ध्यान रखना होता है बच्चों. एक छोटा बेबी है, अगर ही हैज नॉट इवन कम्प्लीटेड वन ईयर, तो आप उसको कैसे बोलोगे 1/3 ऑफ एन ईयर, 1/12 ऑफ एन ईयर, ऐसे आप नहीं बात करते हो ना, जो इजली आपको एक्सप्रेस करने में आए और सामने वाला समझ भी पाए. मैम डेज भी कह सकते हैं लाइक 52, बट दिस इज नॉट बिकॉज वी हैव इयर्स टू टेल एंड द टाइम ऑफ लॉन्ग पीरियड. एग्जैक्टली, इट इज नॉट अ वेरी इजी वे टू एक्सप्रेस. हालांकि आप बोल सकते हो कि आई एम लाइक 5120 डेज ओल्ड, but then someone will have to convert it into years just to have a clear understanding. aise days to thoda sa confusing ho sakta hai. is it clear so far? give me a thumbs up if you have understood this. okay, jaldi jaldi bhai comment section mein thumbs up drop karte chale. oopsie, be quick, I have to go out. अच्छा भाई, be quick के बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ते हैं अपन. रुकिए, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं. अच्छा आज काफी questions हैं, let's see आज हम लोग कितना cover कर पाते हैं. लीडर बोर्ड की पोजिशन जानते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं. प्रतिज्ञा, अलका, जैन इज हर्ष गर्ग, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं. मैटर इज पुल्ड टू द ग्राउंड बाय, कोई भी मैटर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, ग्राउंड की तरफ उसको पुल क्या करता है, रोप, हैंड्स या ग्रेविटी? ये ध्यान से सोचिए, ध्यान से सोचिए, रोप, हैंड्स या ग्रेविटी. ओ हाय हाय हाय, सॉरी सॉरी, अतिशय, हेलो अतिशय, आई गॉट कंफ्यूज विद यू, आई कंफ्यूज यू विद सम अनदर स्टूडेंट. ओके, तो जल्दी से सोचिए, मैटर इज पुल्ड टू द ग्राउंड बाय रोप, हैंड्स और ग्रेविटी, जल्दी से बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर. रोप, हैंड्स या ग्रेविटी, मैटर इज पुल्ड बाय टू द ग्राउंड, ग्राउंड उसको कैसे पुल करता है, ध्यान से, रोप. बच्चा ग्राउंड के पास खुद का रोप थोड़ी होता है, ग्राउंड कैसे पुल कर रहा है ये बताना है. ह्यूमन बींग का तो यहाँ कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है. कोई चीज अगर एक हाइट से नीचे ड्रॉप होती है, पेड़ से एप्पल जब गिरा था न्यूटन के टाइम में, तब क्या एक्ट कर रहा था उस पे? सोचिए सोचिए. इट इज आल्सो इजी, यस इट इज ग्रेविटी. इसका कोई एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए या नहीं? बस इतना ध्यान रखिए, इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. अरे बब्बा, अरे ये हर बार पेन क्यों बंद हो रहा है मेरा? नो, चलिए ठीक है, इट्स लाइक एन इजी क्वेश्चन, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, बहुत सारे क्वेश्चन है आज के क्लास में. लीडर बोर्ड की पोजिशन जानते हैं, किसने सबसे जल्दी, देखते हैं हाँ जल्दी आंसर किया. नाउ यू कैन सी, यस, फास्टेस्ट योर
नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन आर टू काइंड ऑफ, सोचिए क्या हो सकता है, ग्रेविटी और फ्रिक्शन क्या हो सकते हैं, फोर्स, स्पीड या मास। ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए और ऑप्शंस को अच्छे से एक बारी सोचिए कि ये फोर्स हो सकती है, स्पीड हो सकता है या मास हो सकता है। क्या होता है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल, आगे 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 क्या होता है, ग्रेविटेशनल स्पीड, मास या फोर्स, जल्दी से सोचिए। चलिए मैं आपको अभी जल्दी छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन मैं जरूर देती हूँ आपको। जब हम बच्चा ग्रेविटी की बात करते हैं ना, या फोर्स की बात करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला किसको किसको पता है भाई, जल्दी से बताइए आप लोग। ओह नो, यस, चलिए फाइनली मेरी पेन चल गई। मैम अगर एप्पल नहीं गिरा होता तो न्यूटन को ग्रेविटी नहीं मिलती, एग्जैक्टली, और हमें इतना पूरा फिजिक्स में मैकेनिक्स नहीं पढ़ना पड़ता। वो तो चले गए पूरी फिजिक्स हमारे लिए बना के। ओके, यस, एग्जैक्टली, अगर एप्पल उस समय नहीं गिरा होता तो ग्रेविटी को अपन डिस्कवर नहीं कर पाते। नो मैम, आप बता दीजिए। चलिए देखिए, फोर्स हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चा, फोर्स, ओके, हाउएवर आई लाइक, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी को बच्चा अपन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जी से, राइट, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को आप कैसे भी बोल सकते हो, वेट, राइट, इज अ काइंड ऑफ फोर्स। चलिए वेट बता देते हैं, कंफ्यूजन जिससे ना हो आप लोगों को। वेट इज इक्वल्स टू एम जी, एम क्या होता है यहाँ पे, मास, और जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ओके, तो अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इट इज जी, एम जी इज इक्वल्स टू वेट, और मास क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर, राइट, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ इन ऑब्जेक्ट और बॉडी। अब फोर्स का भी जैसे आप लोगों ने बच्चों देखते हैं कि फोर्स का एक फॉर्मूला सारे बच्चे बता रहे हैं, मास इंटू एक्सिलरेशन। देखिए मास दोनों में सेम है, अब जी इज अगेन अ काइंड ऑफ एक्सिलरेशन ओनली, राइट, तो देखिए यूनिट सेम होती है दोनों की, तो यहाँ पे क्या होता है, फोर्स और वेट एक तरह से सिमिलर हो जाते हैं, राइट, सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन, और वेट को एम जी बोलते हैं। ये एक्सिलरेशन बच्चा अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, इफ इट इज ड्यू टू द ग्रेविटी तो आप क्या बोलते हो, वेट, तो ये एम जी हो जाता है, अदरवाइज फोर्स को अपन मास इनटू एक्सेलरेशन से कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, एग्जैक्टली बच्चा, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, देखिए ध्यान से, वेट में क्या होता है, एम प्लस जी, एम इनटू जी होता है, मास इज जस्ट द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी, बट जब वेट की बात करते हैं तो वेट में ग्रेविटी का भी इफेक्ट काउंट कर लेते हैं अपन, इज इट क्लियर। सो बेसिकली मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड इन अ बॉडी एंड वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, जब अभी हम इस पे चैप्टर पढ़ेंगे ना फोर्स का, तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, अभी बस आपको इतना याद रखना है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी एंड मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड इन अ बॉडी, इज इट क्लियर। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते भाई, टाइम तो काफी हो गया आज। 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। Weight is measured using a scale which is effectively measured the pull on the mass exerted by the gravity on the earth. Mass of the body is measured by another known amount of mass. Oh my god, that's such a great explanation, Nikhil. Thumbs up to you. All of you, I request all of you to read Nikhil's comment. He has given a very amazing explanation between weight and mass. Okay, measure kaise kiya jata hai? Dhyan se padhiye bachcho. So see, I tell you, this is such a lovely place ki I am also learning with all of you. एंड साथ के साथ आप सिर्फ मुझसे ही नहीं, आपस में भी एक दूसरे से पढ़ सकते हो इन अ वे, क्योंकि आप लोग भी कई बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट साथ के साथ शेयर करते हो। सो ऑलवेज अ थम्स अप यार, दिस इज सच एन अमेजिंग थिंग।
चलिए देख लीजिए लीडर बोर्ड की पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से। देखिए 7 out of 20 ओके मैम वेट। अच्छा चलिए I've already pressed the temperature at which a substance changes from liquid to gas. Freezing point, boiling point, breaking point. क्या हो सकता है लिक्विड से गैस, गैस लिक्विड, लिक्विड गैस, ध्यान से सोचिएगा। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट। ना बच्चा ब्रेकिंग पॉइंट नहीं था, ये तो मैंने एक डंप सा ऑप्शन रखा था। चलो कोई बात नहीं, मिसक्लिक हो गया होगा। ब्रेकिंग पॉइंट बच्चा इट इज जस्ट अ नॉर्मल टर्म की जब ब्रेक कोई चीज करती है तो उसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट एट विच एनी ऑब्जेक्ट ब्रेक्स। इट्स जस्ट अ कोलोकियल टर्म, हाउएवर इट डजंट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन टू इट। बट देखिए किसी टेम्परेचर पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए उसको आप क्या बोलते हो, बॉइलिंग पॉइंट। चलिए जल्दी से इसकी भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओप्स, और ये पूरा क्लियर करना पड़ेगा मुझे। ये क्लियर स्लाइड आ गई। व्हाट इज ब्रेकिंग पॉइंट? अच्छा छोड़ो उसको, नहीं अपन ध्यान देते हैं अभी, आप इसको समझिए। मैंने बॉइलिंग के लिए आपको क्या बताया, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। उपसी, चलो भाई अब तो आ जाओ पेन मेरी। ओके आई होप माई पेन इज, माई वाई इज नॉट वर्किंग। मैम 47 मिनट बट ओनली 7 क्वेश्चन आर कम्प्लीटेड बट ग्रेट एक्सप्लेनेशन। या बच्चा थोड़ा सा आई नो एक्सप्लेन करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, बट देखिए आप अगर आप 20 क्वेश्चन, मैम आई एम गेटिंग बोर्ड टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। ओके बच्चा आई टेक इट अ लिटिल फास्टर, बट देन एक्सप्लेनेशन समझना भी तो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अभी आप आने वाले टाइम में नए नए चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स कुड बी अ लिटिल बोरिंग टू यू, बट हाँ आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं बच्चा। ओके द कॉनिफरस कोस्ट इज द सिक्वा द टॉलेस्ट ट्री ऑन अर्थ, बट बहुत बड़ा होता है। ओके चलिए निखिल बच्चा अब सीखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। लिक्विड को जब हीट करते हैं बच्चों तो वो क्या किस चीज में कन्वर्ट होता है, गैस में। में कैसे होते हैं लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेट्स से आसपास होते हैं एज कंपेयर टू गैस, गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो अब ये मॉलिक्यूल दूर दूर कैसे होते हैं, इनको एनर्जी मिलती है तो ये दूर हो पाते हैं, राइट। एनर्जी किससे मिलती है, हीट से मिलती है। तो स्टेट का जब चेंज होता है लिक्विड से गैस के लिए तो क्या होता है, लिक्विड को बॉइल करना पड़ता है तब वो गैस बनता है, और जिस पॉइंट पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट। ओके जल्दी से बताइए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बस ये क्वेश्चन। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग? अच्छा इवेपोरेशन राइट जब वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, और बॉइलिंग इज जब पानी आप यू नो हीट करते हो, तो मोर और लेस इट इज लाइक आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो इन दोनों टर्म्स को। ओके विशेष पिलानिया, ओ हाय विशेष, एग्जैक्टली 100 degree 100 degree है। सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 degree। अभी यही बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग में, इवेपोरेशन में, वेपराइजेशन में, कंडेंसेशन में, सॉलिडिफिकेशन में, और कई ऐसे टर्म्स अभी आप हैं जब हम लोग मैटर डिस्कस करेंगे ना बच्चा तब अपन आराम से पढ़ेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक वी आर फॉलिंग अ लिटिल शॉर्ट ऑन टाइम, तो बहुत डिटेल्स में अभी अपन नहीं डिस्कस कर रहे हैं हर चीज़ को। जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तब अपन बहुत अच्छे से डिस्कस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीडर बोर्ड की जल्दी से पोजिशन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैम व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्पीशीज ऑन द अर्थ? ओके बच्चा अभी सब बताते हैं भाई स्मॉलेस्ट स्पीशीज के बारे में। मैम आपको अपने हर्ष को भूल गए क्या? नहीं बच्चा मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ हर्ष। देखिए जल्दी से भाई अपने लीडर बोर्ड की पोजीशन, हर्ष आज दूसरे नंबर पर हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटर क्विकली। द फोर्स दैट वन सरफेस एक्सर्ट्स ऑन अनदर सरफेस व्हेन टू They rub against each other, okay? अभी आपके पास, मेरे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जैसे मैं आपको बताऊं। अच्छा ठीक है, दिस इज वन बम एंड आई हैव अ पेन। मैम आप क्या, या
तो देखिए, अगर आप इन दोनों को आपस में रब करोगे ना, तो कौन सी फोर्स एक दूसरे पे एग्जर्ट करेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन या ग्रेविटी? जल्दी से सोचिए। फ्रिक्शन होता है जब किसी दो सरफेस को आपस में रब किया जाता है, या लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्रश लेके किसी सरफेस को क्लीन करते हैं तो वहां पे क्या होता है? जल्दी जल्दी सोचिए। बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, जल्दी सोचिए बच्चा, प्लीज गलत मत करिएगा। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? आहा, फ्रिक्शन। अच्छा बच्चा, ग्रेविटी के लिए क्या होता है ना, आपको दो बॉडीज को रब नहीं करना पड़ता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ना, M1 M2 इंटू यू नो मास एंड देन डिवाइडेड बाय R2, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो दो बॉडी के बीच में जब हम काउंट करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, अगेन इट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग बच्चा, तो इलेक्ट्रिसिटी की चैप्टर में आपको बताऊंगी। अगर आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि अपने आप बाल को कोम करते हैं ड्राई को, तो देन यू कैन सी अ लिटिल काइंड ऑफ यू नो काइंड ऑफ अ लिटिल साउंड एंड यू द थिंग ऑल्सो। देन यू कैन सी समटाइम्स यू फील कि आपके जो कपड़ों में जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, ऐसे रेज कर जाते हैं। सो इट इज काइंड ऑफ अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी जब अपन इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे। तो बस अभी अभी इस क्वेश्चन में आप देखिए कि दो सब्स्टेंस ऑब्जेक्ट को जब अगर एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया जाता है तो फ्रिक्शन होता है। अभी तो विंटर्स आ रही है, अब आपके हाथ पे, आपकी बॉडी पे फ्रिक्शन कितना होता होगा ना ड्राइनेस से। आप क्या करते हो, मॉइस्चराइजर लगाते हो। मॉइस्चराइजर लगाने से क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। ओके, देखिए अब ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लीडर बोर्ड की पोजीशन देखते हुए, श्रीनिवास बच्चा पक्का, मैं अभी आपको जब इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी शायद इट इज नॉट अ ग्रेट टाइम कि मैं पूरी चीजें एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको, तो चैप्टर जब अपन स्टार्ट करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, 1 2 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज, ध्यान से सुनिएगा, फोर्स को आप कैसे डिफाइन करते हो? चेंज इन स्पीड, पुश और पुल, चेंज इन शेप। सोचिए सोचिए क्या होता है। स्पीड में चेंज को बोलते हैं, पुश और पुल को बोलते हैं, चेंज इन शेप। अमेजिंग, चलिए इसमें तो सबने सही आंसर दिया, इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, राइट? सो शैल वी जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। यस यस यस, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताते चलिए बच्चा लोग, देखिए लीडर बोर्ड की पोजीशन देखते हैं किसने कितना आंसर किया। ओके, सो अतिशय द फास्टेस्ट, श्रीनिवास। ओके निखिल, ओ माय गॉड, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू निखिल, प्लीज स्टे ट्यून इन द, अभी क्लास थोड़ी सी बाकी रहती है, नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, प्लीज बीच में मत छोड़ के जाइएगा। नॉट इवन निखिल, अदर्स ऑल्सो। क्वेश्चन के फॉर्म में अपन क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, आंसर्स भी पता कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं। सो मेनी थिंग्स इन जस्ट वन क्लास। ओके देखिए क्या होता है, करंट मूविंग इन अ वायर एग्जाम्पलीफाइज, एग्जाम्पलीफाइज मतलब किसी चीज का एग्जाम्पल क्या होता है। हीट एनर्जी का एग्जाम्पल होता है, साउंड एनर्जी का, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ध्यान से सुनिए, करंट जब वायर में मूव करता है तो इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी? सोच के बताइएगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ओके, साउंड एनर्जी। साउंड बच्चा इट इज वेरी वेरी माइन्यूट, यस ऑफ कोर्स। जब कहीं हैवी ड्यूटी वायर्स जैसे कि होते हैं तो हल्की सी उसमें एक वेरी यू नो फीबल सी साउंड होती है, इनफैक्ट उससे ज्यादा तो उसमें हीट एनर्जी आ जाती है, तभी इंसुलेट किया जाता है, राइट? साउंड एनर्जी इज वेरी 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 फीबल, बट देन एग्जाम्पलीफाई का जो वर्ड का मतलब है कि मेन क्या होता है उसमें, जब करंट मूव करता है वायर में तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये एग्जाम्पल होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लीडर बोर्ड की पोजीशन देखते हैं क्या है आज। ओके ओके ओके, हु इज द फास्टेस्ट, अतिश। ओके अच्छा, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन।
स्टेट ऑफ मैटर दैट इज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप. क्या होता है, लिक्विड गैस या सॉलिड. मैटर में वॉल्यूम जिसका डेफिनेट होता है बट शेप डेफिनेट नहीं होता है. क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, सॉलिड. अरे बाबा रे, इतना गलत आंसर कैसे. माय गॉड, दिस इज गोइंग टू गिव मी अ हार्ट एक. नो नो नो, सॉलिड नहीं होता है भाई. मैटर का चैप्टर हमें लग रहा है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको. यस एग्जैक्टली बच्चों. चलिए थोड़ा सा मैटर के, स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस करते हैं क्विकली. गड़बड़ क्यों कर रहे हो बच्चा लोग, सॉलिड क्यों बोल दिया, दिस इज सो सैड यार. सॉलिड नहीं होता है. सॉलिड तो डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, सब कुछ उसमें सॉलिड होती है. डेफिनेट मीन्स फिक्स्ड रहती है. ओहो, पेन चल जा, चल जा, चल जा मेरी पेन. हो गए हो माय मैम, बाय ऑल आर रॉन्ग. अच्छा मैम, कोई आंसर करेक्ट ही नहीं है. क्यों बच्चा, सारे ही गलत हैं. क्यों गलत क्यों हो गए. स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप. लिक्विड हुआ ना. नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट. मैम आप टिक कर दो करेक्ट आंसर सेटिंग पे जाके. अच्छा सुबच्चा, इसका जो आंसर है ना, लिक्विड है. ओके, वो मैं जब आपका एमएनटी बना रही थी तो इट मस्ट हैव बीन अ ग्लिच देयर. सो इसका आंसर लिक्विड है. यस, सो द आंसर इज लिक्विड. देखिए स्टेट ऑफ मैटर को बोलते हैं, मैटर किन किन स्टेट में मिलता है. अभी तीन के बारे में डिस्कस करते हैं. ऑफ कोर्स देयर इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा, बट थोड़ा सा हायर एंड एडवांस चीजें हैं, वो भी अपन डिस्कस नहीं करेंगे. सो वी हैव सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, ओके 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 ओके. जस्ट इमेजिन ये एक तीन बॉक्स हैं. मैम करेक्ट कर दीजिए बच्चा. ठीक है, अभी वो मैं सेटिंग्स पे जाऊंगी ना, थोड़े से डिफिकल्टी हो जाएंगे. गैस का भी हो सकता है मैम. बच्चा उसमें ना शेप डेफिनेट नहीं होता है ना. गैस तो उसका शेप चेंज होता रहता है. सो इट इज नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ डेफिनेट शेप. देखिए सॉलिड में क्या होता है, जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, राइट. सो देखिए ये मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं. Forget this question. अच्छा बच्चा क्यों भाई, क्यों forget करें अतिशय जी. थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चा. लिक्विड का ये केस होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, राइट. गैसेस में तो और दूर दूर हो जाते हैं, राइट. बस देखिए क्या होता है, ए बी और सी, ये एक मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है. ए में क्या होता है, शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होती है. इसमें शेप डेफिनेट नहीं होती है बट वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है, राइट. इसमें ना शेप डेफिनेट होती है ना वॉल्यूम डेफिनेट होती है. नो स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यस. इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती है, सो सब आपस में होते हैं. डी में क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं तो थोड़े दूर होते हैं. सी में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं. ऑल राइट, solid have definite shape and volume, gases have not definite volume and shape, liquid have definite volume and shape, liquid have, yeah, they don't have a definite shape. ab liquid ka definite shape kyun nahi hota hai, dekhiye. let's say for example you take a wine, I hope no not a good example for you all. wine ko agar aap glass mein pour karte ho na, so this is going to take the shape of the glass, okay. अब उस वाइन को अगर आप बोल में फिल कर दो, तो लेट्स से ये एक बोल है, वाइन को आपने बोल में फिल कर दिया तो कैसा शेप ले लिया. ये देखिए शेप में फर्क समझ में आया. बोल में भरने में इस तरह का शेप आया, वाइन ग्लास में भरने में इस तरह का शेप आया, राइट. तो जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को पुट करते हो तो उनका शेप डेफिनेट नहीं रहता है, हालांकि वॉल्यूम फिक्स रहता है. सेम वॉल्यूम आप इसमें भी है, इसमें भी है, लेट्स से यू हैव 200 ml, दोनों में वॉल्यूम डेफिनेट होता है, शेप फर्क पड़ जाता है. शेप किस में डिपेंड करता है, कंटेनर. क्लियर, रिमेंबर द कॉन्सेप्ट एंड फॉरगिव द मिस्टेक्स. ओके गो अहेड. चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
लीडर बोर्ड की पोजीशन जानते हैं, अब जान ली आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12, चलिए वी आर मोर देन हाफ वे, एंटर टाइम सेटिंग से सही कर दीजिए। अच्छा बच्चा कर रही मैं, मैं करती हूँ आपको, मैंने बता दिया। अच्छा ओके, एन ऑब्जेक्ट्स रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन, राइट, मूव करते हुए उनका जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हो, पोटेंशियल एनर्जी, इनर्शिया या फोर्स। ओप्स, इनर्शिया होता है बच्चों, किसी भी बॉडी की जो एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है दैट रेजिस्ट द चेंज। ओके तो इनर्शिया इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए हम लोग जब मैकेनिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में तो और भी अच्छे से इसके बारे में जानेंगे कि इनर्शिया क्या होता है, फोर्स क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ओके आन्या बच्चा, नो नो फोर्स नहीं होता है मैम, व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी एंड ओके इनर्शिया। पोटेंशियल एनर्जी बच्चा क्या होता है ना, तो पोटेंशियल अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा कि आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे कि अरे यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन यू, नेक्स्ट टाइम आप स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करना या नेक्स्ट टाइम आप अपने एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करना, राइट। सो पोटेंशियल इज समथिंग दैट इज स्टोर्ड इन यू, इनहेरेंट होता है जो आपके अंदर, कोई चीज स्टोर्ड एनर्जी जिसको कहते हैं, अगर एनर्जी के कंटेक्स्ट में बात करें तो द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इनसाइड इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि रेजिस्टेंस में कैसे बताऊं, ऑब्स्ट्रक्शन जैसे मान लिए कि एक तरह का, राइट, ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि आप भाग रहे हो कहीं और कोई आपको आपका हाथ पकड़ के रोक रहा है, सो व्हाट आर दे प्रोवाइडिंग, दे आर प्रोवाइडिंग यू अ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का एग्जांपल आप लोगों ने फील भी किया होगा, जब आप बाइक या साइकिल चलाते हैं तेज से जो एयर आपके फेस पे, सॉरी, सो दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द फोर्स, आई मीन द एयर। ओके इनर्शिया क्या होती है बच्चा, इनर्शिया इट इज अ इनहेरेंट क्वालिटी क्वालिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अ बॉडी दैट रेजिस्ट देयर चेंज। इनर्शिया मास पे डिपेंड करती है बच्चा, कि जिसका जितना मास है वो उसमें इनर्शिया उतनी ज्यादा होती है। अब आप सोचिए एक फेदर है, राइट, फेदर को मूव करने के लिए आपको हल्की सी हवा चलेगी तो इसकी मास बहुत कम है, इनर्शिया बहुत कम है, तो फेदर आराम से उड़ जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप एक बॉल, रबर बॉल के बारे में सोचिए, तो क्या होता है उसमें रबर बॉल में मास ज्यादा होता है। ओके तो अब हवा से रबर बॉल मूव नहीं करती है ना, उसको मूव करने के लिए आपको और फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तो चलिए आप उसको हाथ से मूव करते हो या बैट से हिट करते हो तो देन रबर बॉल मूव्स, राइट। सो इनर्शिया मास पे डिपेंडेंट एक क्वांटिटी होती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लीडर बोर्ड की पोजिशन जानते हैं। ओके किसने, क्वेश्चन 13, इलेक्ट्रिसिटी इज द मोमेंट ऑफ, पूरा वर्ड पढ़िए और आपको आंसर पता चल जाएगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, किसके मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, प्रोटॉन के कारण, न्यूट्रॉन के कारण या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। देखिए वर्ड में ही आंसर छुपा है, मैंने अब आपको क्लियर हिंट दे दिया है। ओके नाउ यू कैन गेस, प्रोटॉन, यस, ओके समवन हैज आंसर्ड, एंड व्हाट इज न्यूट्रॉन बच्चा, इट इज एन एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल। ओके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये तीनों मिलके एक एटम को बनाते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, दैट इज न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। जब हम लोग स्टेट ऑफ मैटर, एटम, मॉलिक्यूल्स वो सब डिस्कस करेंगे ना, देन आई एक्सप्लेन यू दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। हमारी बॉडी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, सेल। उसी तरह नॉन लिविंग में क्या होता है, एटम होता है, सबसे छोटा फॉर्मिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। ओके सी एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन, अब इसका तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है ना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें प्लीज, कॉमेंट सेक्शन में बताइए। एटम एटम एटम, यस यस, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी ड्रॉप अ थम्स अप, ड्रॉप अ स्माइली, ड्रॉप अ हार्ट, व्हाटएवर। चलिए सारे लोग पहले जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में मैसेजेस ड्रॉप करिए। तो भाई अनन्या बंसल, एंड हाय अनन्या, शी इज जॉइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, लुक्स लाइक
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर राइट इन फ्रंट ऑफ यू. बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय ऑल ऑफ यू कि आप रोज टाइमली आके क्लास अटेंड कर रहे हैं, एंड इट्स रियली अमेजिंग कि यू आर टेकिंग योर स्टडीज वेरी सीरियसली. थम्स अप टू यू. आई वॉजंट दैट ग्रेट अ स्टूडेंट एज अ चाइल्ड. ओके, आप लोग काफी सीरियस हो पढ़ाई के लिए. दैट यू नो गिविंग मी अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म टू टीच यू. ऑलवेज इंटरेस्टिंग, यू नो इंटरेस्टेड रहते हो आप पढ़ने के लिए, नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, पार्टिसिपेट बहुत करते हो, तो दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग. ओके, चलिए देखिए 14th क्वेश्चन क्या है. फुटबॉल प्लेयर रनिंग फॉर अ टच डाउन एग्जाम्पलीफाइज. फुटबॉल प्लेयर जब भागता है तो उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी या साउंड एनर्जी? सोचिए सोचिए, मैकेनिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, क्या हो सकता है इसमें से? हीट, साउंड या मैकेनिकल एनर्जी? मैम व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? ओके ओके श्रीनिवास. ओके बच्चा, आई थिंक अभी ये वाले जो छोटे छोटे टर्म्स है ना, जब अपन पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे ना, तब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. एग्जैक्टली बच्चा, मैकेनिकल एनर्जी कैसी होती है, जो एक तरह से, मैं कैसे आपको बताऊं, इजी वे में बताना चाहती हूँ, राइट? तो जैसे हमारी मसल्स की जो एनर्जी होती है मूवमेंट के कारण जो होती है, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी. ओके, तो जैसे फुटबॉल प्लेयर भागता है तो उनके लेग्स का मूवमेंट होता है, मसल्स जो होती हैं उसके कारण मूवमेंट होता है, तो दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी. यस, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. चलिए श्रीनिवास बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं. बट आप सभी लोग अगर सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, मेक श्योर आप लोग इस मंथ सब्सक्रिप्शन जरूर लो बच्चों अनअकैडमी का. यूट्यूब से बेटर आपको पढ़ाते तो सारे एजुकेटर सेम ही हैं, लेकिन लाइव क्लासेस आर अलॉट मोर फन. ओके, और आपका देखिए बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, और लाइव टेस्ट, क्विजेस, डाउट सॉल्विंग सेशन, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा बच्चों. तो मेक श्योर यू ज्वाइन द क्लास ऑन अनअकैडमी ऐप, सब्सक्राइब करिएगा जरूर. Easy peasy sandwiches, cheesy. Okay, yes, I like cheesy sandwiches. आपका फेवरेट फूड क्या है बच्चों? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए. The force of gravity on a person or an object at the surface of a planet is called gravitation, acceleration या mass. क्या होता है? Gravitation होता है, acceleration होता है, mass होता है. ये सब लोग सही बताएंगे, कोई गलत नहीं करेंगे. Gravity के कारण क्या होता है? Gravitation की acceleration या mass. Yes, कर सकते हो, वर्ड में ही आंसर छुपा है. नहीं, मास नहीं होता है बच्चा. अभी मैंने आपको बताया कि मास इज नॉट अ फोर्स, मास इज जस्ट द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट. ठीक है, ग्रेविटेशन होता है जो फोर्स लगता है किसी प्लैनेट पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन होता है उस पे, उस प्लैनेट का अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स लगता है. ओके, नहीं बच्चा, सृष्टि सी मास कैसे हो सकता है? मैम करेक्ट कर दीजिए. अच्छा, नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट. अच्छा, ओ ओ ओ, आई टेल यू, मैं अभी आपको बता देती हूँ करेक्ट आंसर क्या है. ग्रेविटेशन. ऑल आंसर्स आर रॉन्ग. आई डोंट नो ये क्यों ऐसे तीनों पे लगता है, मैं बनाते समय क्या था. आई जस्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. इतना तो आप समझ चुके हो गए आई गेस. गिवन करेक्ट बाय यू. नहीं बच्चा, ग्रेविटेशन इज द करेक्ट ऑप्शन. ये मैं आपको अभी आंसर में बता देती हूँ. फेवरेट फूड इज छोले कुलचे. ओके, दैट्स स्वीट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. ये लगता है कुछ क्विज बनाते समय कुछ इधर उधर मिस्टेक रह गई हो. ओके, तो चलिए, तो पुराना ही आ गया. बाकी क्वेश्चन करते हैं, चार क्वेश्चन बाकी रहते हैं. द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज फोर्स, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन. क्या होता है? अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन भी एसोसिएट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? फोर्स, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन? जल्दी से सोच के बताइए, गेस करिए क्या होता है. वेलोसिटी.
फोर्स। उप्स, फोर्स किसने किसने कर दिया भाई? वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर। जस्ट अ सेकेंड भाई, मैं इसको ठीक करूं अब। रुकिए, अभी मैं आपको सही करती हूँ। इसमें तो सही आंसर ही नहीं है। वेलोसिटी इज द, वेलोसिटी सही आंसर था। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसको भी मैं चेक करती हूँ। ग्रेविटेशन सही आंसर था। एक और भी ऐसी मिस्टेक हुई थी फुटबॉल प्लेयर वाले में, राइट? या इसमें तो ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज द मूवमेंट ऑफ, ये भी सही है। ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस, ये भी ठीक है। तो अब सब सारे ठीक है ना? निखिल क्या हो गया बच्चा, व्हाट इज दिस? सही, सारा सही कर दीजिए मैम। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी और पहले। अच्छा बच्चा मैं कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये तो ठीक है। मैटर दैट इज डेफिनेट वॉल्यूम सेप इज लिक्विड। चलिए सारे चीज ठीक कर दे रही हूँ, ये रह गया था लगता है। नाउ आई गेस सारे ठीक है ऊपर के, राइट? और पहले, यही मैम, दैट्स इट राइट? अब इसके पहले तो सारा ठीक था। यस, चलिए। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। वैसे यस, अच्छा किया कि हमने ये आंसर्स करेक्ट कर दिए, अदरवाइज रिजल्ट पे प्रॉब्लम आ जाती है। थैंक यू बच्चा लो। द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट और अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मास, वेट या फोर्स। ध्यान से सोचिएगा, अभी मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया है मास क्या होता है, वेट क्या होता है, फोर्स क्या होता है। इसमें प्लीज कोई गड़बड़ मत करिएगा। मास, वेट और फोर्स, इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, जल्दी से बताइएगा। आ, 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 किसने, ये तो गलत बच्चा, वेट। ओहो, चलिए मास है इसका करेक्ट आंसर। मैम व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? यस एग्जैक्टली बच्चा, मैं जल्दी से बताती हूँ श्रीनिवास। स्पीड क्या होता है, मोशन को मेजर जैसे करते हैं, चेंज इन यू नो डिस्टेंस अपॉन टाइम को आप स्पीड बोलते हो। जब उसी स्पीड में एक उससे एक डायरेक्शन एसोसिएट हो जाता है, उसका फिक्स डायरेक्शन की जब बात करते हैं, स्पीड क्या होता है, मेजर होता है। अगर आप स्पीड के साथ डायरेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं तो वो स्पीड से वेलोसिटी बन जाता है। ओके, बस होता कुछ भी नहीं है, मेजर ही होता है मोशन के चेंज का, बट देन उसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी ऐड हो जाता है, तो दैट इज गोइंग टू मेक इट वेलोसिटी। ओके अन्या, यस बच्चा। लीडर बोर्ड की पोजीशन, ओप्स, नो, चलिए गड़बड़ हो गया था अभी तो, ऑप्शन ही देख लिए थे आप लोगों ने, चीटिंग कर दी, चीटिंग। ओप्सी, कल भी एक बार हो गया था, फर्स्ट डे जब मैंने मेंटी किया था तो मैंने फर्स्ट चैप्टर उसका क्वेश्चन का आंसर ही बता दिया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। डैश कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए किससे कन्वर्ट होती है, पेंडुलम से, जनरेटर से, कि एटम से? सोचिए सोचिए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल नहीं है। पेंडुलम, जनरेटर या एटम, क्या चीज कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? घर में जब लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो किसका यूज करते हैं? सोचिए सोचिए मैम, हाउ टू वोट फॉर द करेक्ट आंसर? अनन्या बच्चा,
आपको मेंटीमीटर पे जाके ज्वाइन करना पड़ेगा बच्चों, देन यू गेट एन ऑप्शन देयर टू क्लिक. ओके. ओह मैन, ये क्या किया आपने? ओ माय गॉड, दिस इज रियली हार्ट ब्रेकिंग. भाई पेंडुलम थोड़ी ना कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मैंने तो अभी बताया घर में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो किसका यूज करते हैं? जनरेटर का. एटम किसने? ओ माय गुडनेस, एटम नहीं होता है बच्चा. एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. एटम इज नॉट समथिंग दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल. भाई गलत कर दिया आज तो. चलिए अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ एटम मॉलिक्यूल्स आपको. ठीक है, ऐसी इतनी बड़ी मिस्टेक, इतना बड़ा ब्लंडर करते हो आप. जनरेटर देखिए, एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी घर में जब नहीं रहती तो क्या यूज होता है? जनरेटर यूज करते हैं ना. बस कॉमन सेंस का ही तो क्वेश्चन था. चलिए लीडर बोर्ड की पोजीशन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप. 19th क्वेश्चन इज शोइंग एटम इज द करेक्ट ऑप्शन. जस्ट अ सेकंड. चलिए इसके बाद अपन करेक्ट करते हैं. सॉरी, बीटिंग हार्ट इज एन एग्जांपल ऑफ विच फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल या काइनेटिक? चलिए इसको ध्यान से बताइए. अलका बच्चा, अभी मैं जस्ट चेंज करती हूँ. आई एम सो सॉरी, दैट्स माय मिस्टेक. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. अभी अपन चेक इसको ठीक करते हैं. पोटेंशियल या काइनेटिक, चेंज क्या है? अच्छा, नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट. देखिए इसको अपन चेक करते हैं. ये गड़बड़ हो रहा है यार आज मेंटी बनने में. चलिए मैं बता ही देती हूँ. पोटेंशियल, अच्छा ये रह गया है. ओके, तो पोटेंशियल इज द करेक्ट ऑप्शन, जनरेटर इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? सो हियर द जनरेटर इज द करेक्ट ऑप्शन. बीटिंग हार्ट इज एन एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल. पोटेंशियल अभी मैंने आपको बताया था जो चीज स्टोर्ड होती है हार्ट में, बीटिंग कैसे होती है? पोटेंशियल एनर्जी के कारण होती है. ओके, चलिए इसको प्रेजेंट करते हैं. काइनेटिक एनर्जी, श्रीनिवास बच्चा, काइनेटिक क्या होती है? मूवमेंट के कारण जो एनर्जी होती है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी पे जो डिपेंड है. तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी. ओके, नेक्स्ट देखिए जल्दी से. आज ओके, अब फाइनल राउंड का विनर विनर चिकन डिनर क्या होता है बच्चों? आप लोग ने, जिन जिन ने ऐप डाउनलोड नहीं की है अनअकैडमी की, मेक श्योर यू डाउनलोड दी ऐप. और टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो करिए, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए. ओके, देखिए आपका रिजल्ट आ रहा है. लास्ट क्वेश्चन गलत नहीं करना है, लास्ट का तो गलत बिल्कुल नहीं करना है बच्चा. प्लीज आप लोग जितने लोग हो, प्लीज मेक श्योर यू टेक सब्सक्रिप्शन एंड मूव टू स्पेशल क्लासेस. हाउ मेनी कलर्स मेक अ व्हाइट लाइट? व्हाइट लाइट कितने कलर्स के से बनती है? 7, 4 या सोचिए, गेस मारिए क्या होता है. 7, 4 या 5. Easy peasy question. 7. Yes, Ananya. This is made up of 7 colors. Amazing. चलो, ये आंसर तो लास्ट का सही हो गया सबका. Oops. Ananya ने आंसर कमेंट सेक्शन में कर दिया. कोई बात नहीं. गलत तो नहीं कर. अमेजिंग. सब लोगों ने बता दिया व्हाइट लाइट. चलो, नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट. फिर से मुझे जाके ठीक करना पड़ेगा. क्या हो गया आज की मिनटी में? मेरे ऑप्शंस को क्लियरली लिया नहीं था क्या? ये हो गया. ओके, अब क्या करते हैं, लीडर बोर्ड की पोजीशन जानते हैं, प्रेजेंट करते हैं. देखते हैं क्या हाल चाल है भाई. अतिशय आज के विनर है. क्लैप क्लैप क्लैप. ऑल द बेस्ट. कांग्रेचुलेशंस अतिशय. एनीवन टेल कोड? अनन्या, सो सॉरी बच्चा, यू हैव जस्ट जॉइंड. अभी मेंटी आपका ओवर हो गया है.
ओके सो अभी अपन क्या करते हैं, इतने देर जो अपन ने क्वेश्चन पढ़े, ये जो 20 क्वेश्चन डिस्कस करे, और किसी को इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज अभी कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी ड्रॉप इन योर डाउट्स। तो अभी आप विल हैव अ क्विक राउंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। ओके जल्दी से बताए भाई, किसी को क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, जिन जिन को डाउट्स आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो मेक श्योर यू टेल मी, आई विल गिव यू अ क्विक एंड ब्रीफ एक्सप्लेन। हाय पर्णिका, सो आई थिंक यू जॉइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अनन्या इज ऑल्सो जॉइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बोथ अनन्या, अनन्या बंसल एंड अनन्या कोला। आई एम एट सिक्स प्लेस। यस प्रतिज्ञा, मैम हाउ हार्ट बीट यूज पोटेंशियल एनर्जी। बच्चा पोटेंशियल एनर्जी हार्ट की जो बीट्स होती है ना, वो हार्ट के मसल्स के कारण होती है। हार्ट में भी हमारे मसल्स होते हैं, तो मसल्स आर हैविंग स्टोर्ड एनर्जी इन देम, सो दैट वे। मैम व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्पीशीज ऑन अर्थ। प्रतिज्ञा आई हैव टू चेक ऑन इट, द स्मॉलेस्ट स्पीशीज मस्ट बी सम माइक्रोब्स ओनली। ओके बट एग्जैक्टली द करेक्ट वर्ड आई चेक अप ऑन इट एंड आई टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, एज इट इज ड्यू टू द मूवमेंट। बच्चा देखिए मूवमेंट इतना ज्यादा हार्ट में नहीं होता है ना, दैट इट इज चेंजिंग, एक ही जगह पे रह के वो यू नो इफ यू कैन सी जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है, राइट। तो मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता है कि एक प्लेस से दूसरे जगह पे नहीं जा रहा है, तो आप उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं बोल सकते। पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज ड्यू टू द स्टोर्ड एनर्जी इन द मसल्स। तो हार्ट ऑल्सो हैज मसल्स इन इट, तो उनके उसके कारण, बट इट इज ड्यू टू मूवमेंट। बच्चा मूवमेंट मूवमेंट नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, बहुत सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं होता है ना कि आपका हार्ट मीडियास्टिनम स्पेस से लेग्स में चला जाए या मीडियास्टिनम से सर पे चला जाए, राइट। वैसा मूवमेंट नहीं होता है, एक ही जगह रह के वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है ना, तो आप उसको मूवमेंट की तरह नहीं बोल सकते। आई मीन नॉट बिग इनफ मूवमेंट टू कॉज अ काइनेटिक एनर्जी, राइट। हार्ट बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स, ओके इतना ध्यान रखना है, और मसल्स के कारण होता है। और किसी को क्या क्या डाउट है भाई आज के इस सेशन के में, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए, क्विक क्विक क्विक। चलिए तो आई बिलीव सारे सबके आज के डाउट्स क्लियर हो गए हैं। आई होप यू लाइक द क्लास एंड इफ यू सॉरी इफ यू लाइक द क्लास प्लीज 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 मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन देयर। ओके ऑल ऑफ यू, जिन जिनको क्लास अच्छी लगी जल्दी जल्दी लाइक बटन ड्रॉप करते चलिए, जल्दी से फटाफट। ओके जल्दी से भाई, इतने सारे लोग हैं, फटाफट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लेक्स क्लैक्स सीबीएसई बेल आइकन को प्रेस करिए, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट्स जैसे कि आपको पता चलते चले। ओके सो आई विल क्विकली डिस्कस, आपको सब्सक्रिप्शन क्यों लेना है बच्चों, बहुत ज़रूरी है सब्सक्रिप्शन लेना अन अकेडमी का, क्या क्या फ़ायदे आपको यहाँ पे मिलेंगे उसके बारे में देखते हैं। ओके लेट्स अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू, अभी तो वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम द क्लास, बट येस अगेन अ वेरी वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ओके then a few things about me, my name is Prakriti Kapoor, I did my BSc in life sciences, MSc in forensic sciences from this institution, Allahabad University and National Institute of Criminology and Forensic Science. I like calligraphy, doodling, painting, storytelling, I enjoy teaching children, listening to stories and I love sunsets. Okay, let's go ahead. Dekhiye सब्सक्रिप्शन अब बच्चों क्यों लेना है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सब्सक्रिप्शन लेना, आप सबके दिमाग में होता है कि इतने सारे वीडियोस, इतना सारा लर्निंग मटेरियल ऑनलाइन आपको अवेलेबल होता है, बट सब्सक्रिप्शन मिलने से क्या होता है ना, अब आपकी जो तैयारी होती है एक स्ट्रीमलाइन वे में होती है कि आपके सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, साथ के साथ असेसमेंट होता है, विच टॉपिक मेंटी टुमारो, बायोलॉजी इज देयर, ओके बायो का मेंटी होगा, देखते हैं बायो आपको कितनी आती है, क्योंकि अब आने वाले क्लासेस में अपन बायोलॉजी के कई सारे क्लासेस करेंगे। ओके कोशिश थी बच्चा कल बायो पे मेंटी होगा। ओके मैंने स्पेसिफिकली वीडियो पे मेंशन नहीं किया, इट्स अ मेंटी क्विज ओनली, बट बायोलॉजी की।
ओके तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन आप लोग लीजिए भाई, जिन लोगों ने नहीं लिया है, गिव योर सेल्फ अ ग्रेट न्यू ईयर गिफ्ट, अपने लिए सब्सक्रिप्शन लीजिए बच्चों, ताकि साल भर आप हमारे साथ बहुत मजे से पढ़ें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होता है बच्चों, आपको एक पर्सनल मेंटर प्रोवाइड होते हैं, दो चैप्टर बच्चा ऑल ओवर बायोलॉजी के आपके जितने चैप्टर्स हैं ना, बायो से रिलेटेड जितने भी रहेंगे तो क्वेश्चन बायो से रहेंगे और कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है। ओके बायोलॉजी के क्वेश्चंस रहेंगे, इतना मैंने आपको अभी बता दिया। ओके जस्ट अ सेकंड, आई कीप माय फोन हियर, द लॉट ऑफ आई आई हैव टू गेट अ स्टैंड आल्सो फॉर माय फोन। ओके देखिए, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में लाइव डाउट सॉल्यूशन आपको मिलते हैं, बहुत एक्सक्लूसिव ये होते हैं, साथ के साथ पढ़ते पढ़ते अगर आपको डाउट्स आते हैं, आपका स्टडी प्लान भी कस्टमाइज करके आपको मिलता है, सो दैट यू कैन ट्रैक योर लर्निंग एंड प्रोग्रेस। पेरेंट कनेक्ट क्या होता है, रेगुलर ओपन आवर्स आर देयर वेयर यू कैन यू नो गेट योर मेंटर इन टच विद योर पेरेंट्स, तो आपके पेरेंट्स आपकी रेगुलर असेसमेंट रिपोर्ट आपके टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें ये समझ में आता है कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, तो सो मेनी थिंग्स आर योर, दिस आर सो मेनी बेनिफिशियल थिंग्स दैट यू आर गेटिंग। ओके मॉक टेस्ट होते हैं, लाइव क्विजेज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड बैचेस होते हैं विद लाइन विद एग्जाम, मल्टीपल बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो, पैरेलली कई सारे बच्चों चैप्टर्स चलते रहते, इट्स नॉट दैट कि नॉट जस्ट दैट कि एक ही सीरीज में आपके चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। ओके कई सारे बैच होते हैं, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ योर विच एवर बैच यू लाइक। ओके कोई बैच का फिक्स रूल यहाँ पे नहीं है, कोई फिक्स मेंटर का इशू नहीं है, आपको बहुत सारे ही एजुकेटर्स बहुत अच्छे हैं। साइंस मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा नाम प्रकृति है, सो साइंस आपको सीमा मैम भी पढ़ा रहे हैं, मैथ आपको मनन सर और जैन सर पढ़ा रहे हैं, सो आप उनकी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, मैथ आपको ज्योति मैम भी पढ़ा रही हैं, तो देयर आर सो मेनी एजुकेटर्स फॉर वन सब्जेक्ट। इंग्लिश भी है, सोशल साइंसेस के लिए अनुजा मैम है, राइट? तो देखिए प्लस सब्सक्रिप्शन से आपको क्या मिलता है बच्चों, डेली लाइव क्लासेस होती हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, तो कोई भी सब्जेक्ट्स आपका मिस आउट नहीं होता है। दिस इज एन अमेजिंग थिंग कि सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट्स रोज आपको सारी सब्जेक्ट आपको रोज पढ़ने को मिलते हैं। ओके और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस अमीर ये तो रहते ही रहता है, और आपका जो कोर्स होता है ना बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, कि आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर होता है, कोई भी चैप्टर आपके एग्जाम से पहले उसको मिस आउट आप नहीं करते हो। ओके सब चीज कवर होती है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है, कि अगर आप जब अन अकेडमी की ऐप को इंस्टॉल करते हो राइट, और आप अपने वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हो, सो आपको बहुत एक वहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, आप मल्टीपल बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, तो इट्स अ ओपन एंड थिंग। ओके मेक श्योर यू टेक द सब्सक्रिप्शन सून, ये नया साल है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप उसको साल भर तक यूटिलाइज कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे एजुकेटर्स मिलते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, और बच्चों दे टीच यू इन अ वेरी इजी एंड अ ल्यूसिड वे। ओके एकदम मजे में आपको बस पढ़ाई करनी है। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, साइंस मैथ इंग्लिश सोशल साइंस ऑल ऑफ इट अंडर वन सिंगल रूफ। ओके थम्स अप। एन एकेडमी की लर्निंग ऐप जिन जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं की है प्लीज डाउनलोड करें। जिन लोगों ने कर ली है वो आप अपने एजुकेटर को जाके फॉलो करें, आपको मेरी प्रोफाइल भी इस ऐप पे मिलेगी, आप फॉलो जरूर करें, सो दैट आने वाली जितनी भी स्पेशल क्लासेस हैं उसका अपडेट आपको वहां पे मिलता रहे। इसको आप अपने फोन और टैबलेट पे डाउनलोड कर सकते हो, और साइट पे आप unacademy.com पे जा सकते हो। ओके सो देन यू गो देयर एंड क्रिएट एन अकाउंट, इज दैट क्लियर? जल्दी से मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको टेलीग्राम ऐप भी क्यों डाउनलोड करनी है। Oopsie. टेलीग्राम ऐप आपको डाउनलोड करनी है बच्चा लोग। ओके तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, ये आपको जरूर डाउनलोड करनी है। सब्सक्रिप्शन की प्लान समझते हैं, देर इज फॉर 1 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ।
1 month और 6 month का जो course होता है ना, they are basically crash course. रिविजन के लिए जिनको ज्वाइन करना है ये उनके लिए बेनिफिशियल होता है, बट इफ यू आपको 12 मंथ्स और 24 मंथ वाला लेना है ताकि आप ज्यादा टाइम तक पढ़ाई कर पाए अपने सारे फेवरेट एजुकेटर्स के साथ. ओके, 6 मंथ्स और 1 मंथ छोटे टाइम के लिए होता है, रिविजन के लिए होता है. ऑल्सो इकोनॉमिकल नहीं होता है, देखिए ध्यान से, इट इज 2500 पर मंथ. अब जब आप देखिए ये बिगर फिगर लगता है, 2500 से 15,000 इट लुक्स लाइक अ बिग फिगर, बट देन आप ये देखिए पर मंथ कॉस्ट ना बच्चों, देखिए 50% है, देखिए कितना ज्यादा रिडक्शन है, हाफ प्राइस है. सो इट इज अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस, राइट? इफ यू गो फॉर अ लॉन्गर सब्सक्रिप्शन, से फायदा ये होता है कि आप यू कैन स्टडी विद अस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? फिर सब्सक्रिप्शन आपका एक्सपायर होता है, फिर आपको रिन्यू करना होता है. सो उस सबसे हैसल से बचने के लिए बेस्ट पार्ट ये है, अगर आपको अपने पूरे साल पढ़ाई करनी है भाई, तो फिर आप बड़ा सब्सक्रिप्शन ले जरूर. अभी इट इज अ वेरी वेरी गुड टाइम, वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद दिस न्यू ईयर, ओके? तो आप सब्सक्रिप्शन जरूर लें, ओके? और एक छोटू सा गिफ्ट आपके एजुकेटर्स कैन से आपके लिए आता है, जो है हमारा प्रोमो कोड. तो मेरा नाम प्रकृति कपूर है, सो मेरे नाम का जो कोड होता है Kapoor10, राइट? सो जब भी आप ये प्रोमो कोड एंटर करते हैं ना, हाई हर्ष, ऑफकोर्स आई रिमेम्बर यू बच्चा. ये देखिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको भूल जा रही हूँ? यू आर सच अ कूल स्टूडेंट यार, इतने मस्त स्टूडेंट हो आप, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो अपने टेस्ट में, क्विजेज में, तो ऑफकोर्स आई रिमेम्बर यू. देखिए, तो प्रोमो कोड हर्ष बच्चा, अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इट इज अ गुड टाइम दैट यू टेक अ सब्सक्रिप्शन, ओके? देखिए, आपको मेरा यहाँ पे प्रोमो कोड एंटर करना है, इट इज Kapoor10. अगर आप जब ये पेमेंट करने से पहले एक कोड एंटर करते हो तो आपको फिर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाता है, ओके? सो दैट्स प्रीटी मच इट इन टुडेज क्लास. All of you stay fine, stay safe. We meet tomorrow at 4 PM. और आज की special class is at 8:30 PM. So हम transportation in animals discuss करेंगे, circulatory system के बारे में पढ़ेंगे, excretory system के बारे में पढ़ेंगे, और plant में transportation कैसे होता है हम उसके बारे में भी discuss करेंगे. ओके, सो अभी तक की जो क्लास में आज मैंने जो 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए, तो उसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए. वी हैव 5-6 मिनट्स मोर टू गो, अपन जल्दी से वो भी डिस्कस करते हैं, ओके? लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू दोस. और जिन जिनको क्लास अच्छी लगी प्लीज गिव अ थम्स अप, लाइक करिए वीडियो को, और लेट्स क्रैक CBSE 7th को प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी क्लिक करिए, सो दैट आपको नए अपडेट्स मिलते रहे और जितनी भी क्लासेस होती हैं तो वो आप मिस आउट ना करें. ऑलराइट, सो आई बिलीव आप किसी को कोई डाउट नहीं है, तो अपन अब स्पेशल क्लास में मिलते हैं. थम्स अप, सी यू सून. Lots of love, stay fine, healthy. ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा. कल मिलते हैं फिर 4 बजे, ओके? बाय, टेक केयर.